बरनाला जिले के गांव झलूर की अकाली पंचायत ने कांग्रेस सरकार पर धक्केशाही करने के दोष लगाए हैं। गांव के विकास कामों के लिए पंचायत को प्रशासन ने रोक लगा रखी है। उनके द्वारा पंचायत मेंबर को धक्के के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल करने का भी दोष लगाया जा रहा है। इस परेशानी से दुखी होकर पंचायत के सामूहिक इस्तीफे देने की चेतावनी दी गई है। पंचायत सदस्यों ने कहा कि गांव का सरपंच दलित है और वह शिरोमणी अकाली दल के साथ संबंधित है, परंतु बरनाला हलके के कांग्रेसी नेता की शह पर गांव के सभी काम रोक दिए गए हैं और पंचायत को कोई पंचायत सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। इस संबंधी जानकारी देते हुए झलूर गांव के पंचायती नुमाइंदों ने कहा कि उनके गांव के सरपंच समेत 9 मेंबर शिरोमणी अकाली दल के साथ संबंधित हैं। जिस दिन से पंचायत बनी है, बरनाला हलके के कांग्रेसी नेता की शह पर प्रशासन गांव में कोई विकास कार्य नहीं करने दे रहा। गांव में सभी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं और तो और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पंचायत मेंबर को धक्के के साथ सिरोपा डालकर कांग्रेसी बनाने की भी कोशिश की गई है, जिस कारण पूरी पंचायत अब कांग्रेस सरकार से दुखी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले दिनों में यही हालात रहे तो गांव की सारी पंचायत अपने पद से इस्तीफा देगी, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार और जिला प्रशासन की होगी। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। साडे पिंड विच पहले तो जो काम ने बिल्कुल नहीं चल रहे, बाकी साडे पिंड विच ये जिहड़ी दूजी पार्टी वाले विरोध कर रहे ने, साडा प्रशासन साडी कोई सुन नहीं रहा जी। प्रशासन दे असी आ मिंता तरले करके थक गई, कोई प्रशासन ने सुनी नहीं। एक साडा हुण अल्टीमेट आई, असीं 15 दिनां तक इस्तीफे देवांगे क्योंकि अक्के पे आई असीं पिंड च। तंग प्रसारण सानूं प्रशासन कर रहा जी, बाकी दूजी धिर दे विरोधी धिर दे कांग्रेसी सानूं तंग प्रसारण कर रहे ने। तंग प्रसारण सर साडा काम ही नहीं चलन दे रहे जी। इह तकरीबन 2-3 क महीने काम चलिया साडा, पहलां ही हो गए घट्टो घट्ट 1.5-2 साल ही। हांजी, जदों दी नवीं पंचायत बणी जी, सारी पंचायत इक पासे, सारी पंचायत साडा पूरा सोथा जी पंचायत दा 9 दे 9 मैंबर इक पासे आ जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ। ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ 7 ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ।